हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से हम आ चुके हैं अपनी ओला S1 X Plus के साथ, और ये वही जगह है जहाँ पर मैं पहले भी आता हूँ। तो अभी देखो, हमारा स्कूटर यहाँ पे खड़ा है और मैंने इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट कर रखा है, और मैं इसे फ़ोन से अनलॉक करके आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, फ़ोन में ये ऐप लॉगिन है और ये फ़ोन ये ब्लूटूथ से कनेक्ट है ये स्कूटर। और ये देखो, मैंने इसको बटन दबाया और ये स्कूटर हमारा अनलॉक हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लूटूथ का आपको साइन देखने को मिलेगा यहाँ पे, यानी कि ये कनेक्ट है। और देखो, दोबारा से अगर लॉक करना हो तो हम यहाँ से बटन इसको क्लिक करके यहाँ से दोबारा लॉक भी कर सकते हैं। तो अभी मैं अनलॉक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो कुछ इस तरह से है अनलॉक और लॉक। एक बार बस आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, उसके बाद ब्लूटूथ ऑन करोगे डायरेक्टली ये कनेक्ट हो जाता है। ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस एक बार कनेक्ट करने में टाइम लगता है। तो इसके ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको लग रहा हो कि ब्लूटूथ कनेक्ट करने में इसमें टाइम लगता होगा, क्योंकि बिना फिजिकल की वाली है, ये चाबी नहीं है और साथ में हमें बटन से अनलॉक करना होता है, और साथ ही इसमें फ़ोन वाला जो सिस्टम है तो उसको कनेक्ट करने में टाइम लगता होगा, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बस एक बार आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लोगे, अगली बार बस आपको ब्लूटूथ ऑन करना है और ऐप ऑन करना है, तुरंत ही ये कनेक्ट हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो गाइस, मानसून शुरू हो चुका है और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी घासें हो चुकी है पहले से। यहाँ पे मैं पहले भी आता था तब सूखा रहता था, यहाँ भी आप देख सकते हो सेम, इधर भी आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि हमारा स्कूटर 6000 किलोमीटर चल चुका है, और अभी आप देख सकते हो बादल भाई सामने की तरफ कैसे काले काले बादल हुए पड़े हैं। और अभी आप सामने देखोगे तो काले काले बादल हो रहे हैं। देखो, बारिश जैसा मौसम भी हो रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे सामने पहाड़ है कोई। तो दोस्तों, अभी आप ये देख सकते हो कि बजाज की एक बाइक लॉन्च हुई है, जो कि है बजाज ये फ्रीडम। ये कोई बाइक है जिसमें CNG भी आप भरवा सकते हैं। अभी मेरे दोस्त ने बताया कि एक बाइक लॉन्च हुई है और उसको यही वाली अब बाइक लेने का मन है। ऐसे वो दिल्ली में नहीं रहता है, वो तो देवरिया में रहता है, और वो वहाँ से दिल्ली आना चाहता है और ये वाली बाइक भी लेना चाहता है। तो कुछ इस तरह की बाइक है, CNG और पेट्रोल दोनों चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक नहीं है। मतलब जिसको इलेक्ट्रिक लेने का मन नहीं है वो ये बाइक देख सकता है, जिसमें CNG और पेट्रोल दोनों चीज़ का ऑप्शन एक साथ मिल रहा है। तो भाई, बाइक तो अच्छी लग रही है, तो देख सकते हो कुछ इस तरह की बाइक है। देखो, यहाँ पे कोई सिलेंडर है। तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज तो नहीं है, बाकी आप देख सकते हो कि इसमें आपको 2 kg CNG का टैंक मिल जाएगा, और 1 kg CNG में लगभग 102 किलोमीटर माइलेज देने वाला है। तो कुछ इस तरह की जानकारी है, बाकी ज़्यादा डिटेल में मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो जिन लोगों को पसंद है भाई बाइक लेना, इलेक्ट्रिक की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, तो ये ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आप ये देख सकते हो कि हमारा स्कूटर पूरे 6000 किलोमीटर पार हो चुका है, और मैंने अभी आपको दिखाया था 6013 किलोमीटर हो चुका है। और प्रॉब्लम्स तो आप देख ही रहे हो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें है, प्रॉब्लम्स के बारे में आप जानते ही हो। तो अभी मैं आपको बता दूँ तो फ़िलहाल जो है इस स्कूटर में ब्रेक थोड़ा सा स्लो हो चुका है, वो वैसे वाला स्लो नहीं है जो नट से टाइट कर देते हैं। तो इसमें अभी हमें ब्रेक ही चेंज करने की ज़रूरत पड़ गई है, जो कि हम चेंज करवा लेंगे। तो आई होप गाइस आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, धन्यवाद।